डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए बीएससी बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर के को करिकुलर यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र के एमसीक्यू टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो बीए बीएससी बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर में आपको फर्स्ट एंड हेल्थ की परीक्षा देनी होगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा एंड स्वास्थ्य। तो हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हमने देखिए आपका जो सिलेबस है फर्स्ट एंड हेल्थ, ये चार यूनिट में डिवाइड है। तो हमने पहले दिन फर्स्ट यूनिट कवर किया था, दूसरे दिन सेकेंड यूनिट, और आज हम तीसरा यूनिट कवर कर रहे हैं। फिर हमारी कल वीडियो जो होगी वो फोर्थ यूनिट भी कवर कर देंगे, ठीक है। तो इन्हीं चार यूनिट से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहली बात तो आपको पता चलेगा कि परीक्षा में कब तैयारी करके भी आप लोग इस सब्जेक्ट में कैसे अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं, तो ये हम आपको बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन को आंसर की ओर बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है कि जिन जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है वो कौन सा तंत्र है, ठीक है, मतलब कि वो कौन सी परत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ठीक है, मेजोडर्म। मेजोडर्म एक होती है कोशिकाओं के बीच एक परत होती है जिसको मेजोडर्म बोला जाता है। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं गूगल करके। हालांकि सही जवाब मेजोडर्म हो जाएगा, जो कि कोशिकाओं के बीच में परत होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है। तो द्विगुणित संरचना जो है वो है युग्मनज, ठीक है, युग्मनज जो है वो द्विगुणित संरचना है यानी कि स्ट्रक्चर है। सही जवाब इसका ऐसा होगा। अगला प्रश्न है कि प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का श्रवण होता है किसमें। तो ध्यान रखेंगे प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का जो श्रवण होता है वो होता है कार्पस एब्लिकेंस से। सही जवाब इसका हो जाएगा द नंबर, ध्यान रखेंगे, प्रमुख प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मानव मादा यानी कि महिलाओं में गर्भकाल कितना समय का होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप सभी इसके बारे में परिचित होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सा, ठीक है। अगला है कि कोरक की गुहा क्या कहलाती है। तो कोरक की गुहा जो है, ध्यान रखेंगे, कोरक की जो गुहा होती है जो कि आपके बॉडी से संबंधित क्वेश्चन है, शरीर से, उसको बोला जाता है ब्लास्टोसील। सही जवाब आ होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो स्तनपायी यानी कि जिनके स्तन होते हैं, जिन भी जीवधारी में उस, ठीक है, में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ पर होती है। जो नर हार्मोन जब एक्टिव होते हैं स्तनपायी जीवों के अंदर मादा में, तो वो कहाँ पे उत्पत्ति होती है उसकी, जब नर द्वारा मानव में हार्मोन जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे छः नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, अंडकोश हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर सही जवाब यानी कि बा नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से त्वचा क्या बनाती है। तो ध्यान रखेंगे जो आपका जो त्वचा है, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं कि खाल, ठीक है, तो जो त्वचा है आपकी बॉडी की वो बनाती है एक्टोडर्म। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में पाया जाता है, मतलब कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है, बाकी नहीं पाए जाते। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, काउपर ग्रंथ होती है जो कि मनुष्य में पाई जाती है यानी कि पुरुषों में पाई जाती है, ठीक है, पुरुष की बात हो रही है, ठीक है, इसमें पाई जाती, बाकी नहीं पाई जाती अन्य। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है कितने। तो सही जवाब हो जाएगा एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है जब, ठीक है, जिसको पीरियड्स बोलते हैं महिलाओं को आती है, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो एक अंडाणु का होता है, सही जवाब बा होगा। अगला है कि अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो अंडाशय में अंडा, ठीक है, अंडाशय में अंडों का जो निर्माण होता है ये आपको बताना है। सही जवाब इसका हो जाएगा अंड जनन द्वारा होता है, बा नंबर सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे, प्रमुख प्रश्न है। अगला है कि पीयूष ग्रंथ को मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथ के रूप में जाना जाता है जो नियंत्रण में होता है, वो कौन सी ग्रंथ है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ठीक है, उसको बोलेंगे अधश्चेतक, अधिश्चेतक के नियंत्रण में होता है। सही जवाब इसका हो जाएगा सा नंबर। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा स्रवित हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कौन सी है इन ऑप्शनों में से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, पॉलीपेप्टाइड, सही जवाब द होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, और वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। मैं आपको क्वेश्चन तो बताऊंगा, उसका उत्तर बताऊंगा, और साथ साथ में हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भी तैयार किए हैं विथ आंसर सहित, वो भी आपको मिलने वाली है। और प्लस परीक्षा में पास होने की ज़बरदस्त ट्रिक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम तैयारी करके भी आप लोग अच्छे खासे कैसे नंबर ला सकते हैं। तो वो भी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, लाखों स्टूडेंट के ऊपर मैंने उसको अप्लाई करवाया है और उनको सफलता भी मिली, ठीक है, आपको भी मिलेगी। अगला प्रश्न है कि अंतःस्रावी ग्रंथ जो शरीर की जैविक
घड़ी को स्थापित करने में योगदान करती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, उसको पीनियल ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, सा नंबर सही जवाब होगा। थोड़ा हम फास्ट करेंगे वीडियो क्योंकि बहुत ही सारे क्वेश्चन हैं, तो समय आपका भी वेस्ट ना हो, इसलिए हम थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, तो समझ लीजिएगा। अगला कि एक अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है कौन सी? तो एक अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है इन ऑप्शनों में से, वो ग्रंथ है लार ग्रंथ, जो कि अंतःस्रावी नहीं है, सही जवाब सा होगा। अगला कि आधारी चयापचय दर को कौन सी ग्रंथ नियंत्रित करती है? तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, थायराइड। थायराइड जो ये चयापचय दर को जो ग्रंथ होती है उसको नियंत्रित करती है, आ नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि अधिवक्र ग्रंथियों का निर्माण कौन सा हार्मोन जननांग से लिंग हार्मोन तक पूरक है? तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, उसको बोलेंगे गानेडोकार्टिकाइड जैसे एंड्रोजन, सही जवाब इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे सही जवाब होगा सा नंबर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस ग्रंथ से स्राव पुरुष एवं महिलाओं के बीच भिन्न होता है? तो सही जवाब इसका सा हो जाएगा, जनन ग्रंथ का जो होता है वो पुरुष और महिलाओं में भिन्न होता है। अगला है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पश्च पीयूषिका द्वारा निर्मित होता है? तो ध्यान रखेंगे पश्च पीयूषिका द्वारा जो निर्मित होता है वो है ADH, सही जवाब दा होगा। अगला है कि किस ग्रंथ को अंतरास्रावी एवं बाह्य स्रावी ग्रंथ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ध्यान रखेंगे उसका नाम है अग्नाशय, सही जवाब इसका सा होगा, ध्यान रखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से डॉट 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 किसको छोड़कर अग्र पीयूषिका का हार्मोन है कौन सा? ठीक है, तो निम्नलिखित में से ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से जो पैराथायराइड हार्मोन जिसको PTH बोलते हैं इसको छोड़कर अग्र पीयूषिका का हार्मोन है, सही जवाब इसका हो जाएगा सा नंबर। अगला है कि इंसुलिन डॉट डॉट ग्रंथि द्वारा स्रवित होता है कौन? तो इंसुलिन जो है ये अग्नाशय ग्रंथ द्वारा स्रवित होता है, सही जवाब सा होगा। अगला है कि निषेचन डॉट 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 में होता क्या है? तो निषेचन ठीक है, निषेचन में डिम्ब वाहिनी नलिका में होता है, निषेचन जो है ये डिम्ब वाहिनी नलिका में होता है, इसका सही जवाब सा होगा, ध्यान रखेंगे। अगला है कि हाई पैथोलेमस कौन सा कार्य नहीं है? तो हाई पैथोलेमस का जो एक कार्य है वो नहीं है, तो वो एक कार्य है उसका नाम है स्रवित FSH, यही जो है वो हाइपोथैलेमस का कार्य नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला है कि डिम्ब ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखेंगे डिम्ब ग्रंथियों की जो संख्या है वो दो होती है, सही जवाब आ होगा। अगला कि घुमावदार पतली दीवार वाला भाग होता है कौन सा इन ऑप्शनों में से? तो घुमावदार पतली दीवार वाला वो जो भाग मतलब कि भाग होता है इन ऑप्शनों में से वो है एम्पुला, बी नंबर सही जवाब होगा, यानी कि ब नंबर। अगला कि वक्र या मूत्रपिंड फेफड़े तथा त्वचा ये सब किस चीज के अंतर्गत अंग कहलाते हैं? तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाई, ये जो है ना वक्र मूत्रपिंड फेफड़े तथा त्वचा ये सब उत्सर्जक अंग कहलाते हैं, ब नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि मूत्रपिंड संख्या में कितने होते हैं? तो मूत्रपिंड जो संख्या में होते हैं वो होते हैं दो, सही जवाब सा होगा। अगला कि किडनी का वजन कितना होता है ऑरिजन? ठीक है ऑरिज, तो अलग अलग आप सर्च करेंगे तो अलग अलग इसका राइट आंसर पाएंगे, तो जानकारी जो मुझे लगता है ज़्यादा पुष्टि हुई हुई वो 120 से 170 ग्राम की हुई, बाकी आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आप लोग कुछ ज़्यादा ही पाएंगे, कहीं कहीं पर कम भी है। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको अगर द ये वाला ऑप्शन दिखेगा 120-170 वाला तो यही फिलेक्ट करिएगा परीक्षा में। ठीक है, अगला है कि किसकी रचना अंग्रेजी अक्षर यू के समान होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनले कूप का, सही जवाब बी नंबर होगा। हेनले कूप का जो है वो जो इंग्लिश का अक्षर यू रहता है उसी के आकार की संरचना होती है, उसी के आकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि हमारे शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना द्रव मूत्र के रूप में बाहर निकलता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ठीक है 1.5 लीटर। अगला है कि मूत्र में जल की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो आप सभी को अच्छे से मालूम है 96% होती है। अगला कि शरीर का प्रतिरक्षण निम्न प्रकार का होता है, किस प्रकार का होता है? तो शरीर का जो प्रतिरक्षण है इन ऑप्शनों में से वो होता है स्वाभाविक तथा उपार्जित, सही जवाब आ होगा, ध्यान रखेंगे प्रमुख प्रश्न है। अगला है कि सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया था? तो सर्वप्रथम जो एड्स आज कॉमन प्रॉब्लम हो गई लोगों की, ठीक है, तो सर्वप्रथम एड्स जो वायरस होता है ये सन 1981 में देखा गया है, सही जवाब बी नंबर होगा। अगला है कि एड्स का पूरा नाम बताइए?
तो सुन लीजिएगा, आज एड्स का जो पूरा नाम होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सही जवाब सा होगा, ध्यान रखेंगे, प्रमुख प्रश्न है, परीक्षा में कई बार रिपीटेड है तो इस बार भी आ सकता है। अगला प्रश्न है कि HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका का नाम बताइए। तो HIV से प्रभावित होने वाली कोई ठीक है कोशिका का नाम है T4। सही जवाब इसका द नंबर होगा। अगला है कि 1984 में किस वैज्ञानिक ने HIV का आविष्कार किया था। तो उस प्रमुख विद्वान का नाम है, ध्यान रखेंगे, उस प्रमुख विद्वान का नाम है रॉबर्ट सी गैलो। सही जवाब इसका हो जाएगा ब नंबर। इसी में सही कई सारे क्वेश्चनों का उत्तर छिपा हुआ, जैसे कि HIV का आविष्कार किस सन में हुआ था। अगर क्वेश्चन आ जाए HIV का आविष्कार किस सन में हुआ था तो आप ठीक है 1984 फ्लेट करेंगे। ये पर क्वेश्चन आ गया कि HIV के आविष्कारक कौन से विद्वान है, तो वहाँ पर आप रॉबर्ट सी गैलो सिलेक्ट करेंगे। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि 1984 में किस वैज्ञानिक ने HIV का आविष्कार किया, तो आप रॉबर्ट सी गैलो सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार के तीन प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखेंगे इसी प्रश्न से जुड़े। अगला प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस किस डेट को मनाया जाता है। तो विश्व जो एड्स दिवस है ये भी मनाया जाता है, जैसे कि अन्य दिवस मनाए जाते हैं, तो जो विश्व एड्स दिवस है ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। सही जवाब इसका सा नंबर होगा। अगला कि एड्स की सिरमी जांच के लिए उपयुक्त प्रमुख परीक्षण है कौन सा। तो सही जवाब इसका आ हो जाएगा एलिसा किट। अगला कि एड्स के उपचार की औषधि कौन सी है, दवा कौन सी है। तो उसको जाइडो उडाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हालांकि आज बहुत सारी दवाएँ हैं एक ही बीमारी की, अलग अलग मेडिसिन हैं, तो फिलहाल सही जवाब यही होगा ऑप्शन नंबर 8, ठीक है, जाइडो वुडाइन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शुक्राणुओं किसकी मदद से जोना प्लेसिडा को विभेदित करता है। तो शुक्राणु जो है जिस मदद से प्लेसिडा को विभेदित करता है वो है एक्रोसोम से, ठीक है, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु जो बॉडी में होते हैं, ठीक है, आपके शुक्राणु जो एक्टिव होते हैं वो किसकी मदद से जोना प्लेसिडा को विभेदित करता है, ठीक है, तो वो करता है एक्रोसोमा से स्रो के माध्यम से, ठीक है, सही जवाब आ होगा। अगला कि अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो अंडाणु होते हैं, इनका जो निर्माण होता है वो होता है जनन एपिथेलियम से। सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है, 2 नंबर। अगला है कि अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है, जो क्रिया होता है, उसको बोला जाता है अंडोत्सर्जन। सही जवाब 7 नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथ का कार्य क्या है। तो जो अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथ होती है आपकी बॉडी में, उसका जो कार्य होता है वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए, आने की उम्मीद है, ठीक है। और अगला वाला भी, ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट था, अंडाशय से अंडाणुओं के बाहर निकलने की क्रिया अंडोत्सर्जन कहलाती है। अगला प्रश्न है कि शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को क्या कहते हैं। तो शुक्रजनक जो नलिकाएं होती है इसमें पाए जाने वाले जो पोषक कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनको जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है सटोरली कोशिकाएं। सही जवाब हो जाएगा 8 नंबर। अगला है कि प्राइमरी, ध्यान से सुनेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, प्राइमरी ठीक है स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणु की संख्या होती है कितनी। स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणु की जो संख्या होती है वो ध्यान रखेंगे प्रमुख प्रश्न है, उसकी जो संख्या होती है वो होती है 4, यानी कि 2 नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला है कि द्विगणित क्या है, मतलब कि जो द्विगणित होता है वो क्या चीज़ होता है। द्विगणित जो है वो होता है युग्मनज, ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न अभी ऊपर भी आया था तो आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला कि सर्टोली कोशिकाएँ पाई जाती हैं किसमें। तो जो सर्टोली कोशिकाएँ होती हैं ये पाई जाती हैं वसणों में। सही जवाब 2 नंबर होगा, ठीक है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको ऊपर से जा रहे होंगे और उनके उत्तर भी ऊपर से जा रहे होंगे। इसका रीज़न यही है कि आपने जब परीक्षा आपकी होने वाली है, कल होने वाली है, 2 दिन पहले मान लीजिए जिस दिन परीक्षा आपकी लगी होती है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट उसी दिन वीडियो देखते हैं, फिर 2 दिन पहले 3 दिन पहले, ठीक है, या फिर 1 दिन पहले ही देखते हैं। तो होता ये है कि आपको क्वेश्चन ही समझ में, बहुत कम कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको आपको जनरली जो सुने होंगे उनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपने पहली बार सुना है और उनका उत्तर पहली बार देख रहे हैं, तो वो आपको एक बार में कहाँ से आएगा, एक बार में कदापि नहीं आएगा 100%। और फिर आप लोगों के ऊपर से जाएगा तो बोलेंगे कि सर हमारे तो समझ में नहीं आ रहा, ये जो आप बता रहे हैं ये कुछ आया ही नहीं परीक्षा में। तो इस तरह की जो मिस आप लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, ये आप लोग खुद ही अपने आप से क्रिएट किए हैं। तो
तो इसका एक ही चारा है कि कम से कम 2 से 3 4 बार वीडियो देखिए, और जिस दिन भी एग्ज़ाम है उससे 1-2 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले कम से कम तैयारी करना शुरू करिए, ठीक है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट तो एक दिन पहले वीडियो देखते हैं, तो हालांकि ये आप लोगों की गलती है, तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा और मैं आपको जो ट्रिक बता दूंगा तो उससे तो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प मिली जाएगी, ठीक है। अब कहाँ पर थे, कौन से क्वेश्चन पे? हाँ कि अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है। तो कौन सा नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है, वो कौन सी चीज़ है? तो उसका नाम है द्वितीयक केंद्रक। सही जवाब द होगा, ध्यान रखेंगे। अगला है कि जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है। तो जीवों में जो प्रजनन होता है उसकी प्रक्रिया क्या है, तो उसकी होती है ए बी सी, ये तीनों सही जवाब होंगे। जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए होती है प्रजनन। पृथ्वी पर जीवन निरंतरता बनाए रखने के लिए होती है, अपनी जात के जीवों को बनाए रखने के लिए होती है, इसलिए जीवों में प्रजनन होता है, जो आप लोग समझ गए होंगे रिलेशनशिप, ठीक है। तो सही जवाब इसका द नंबर होगा, ए बी सी तीनों सही जवाब होंगे, मतलब कि ये तीनों सही हैं, इसलिए सही जवाब द होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है कि शुक्रजनक नलिकाओं के आसपास के अवस्थान जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो शुक्रजनक नलिकाओं के पास के अवस्थान को जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है अंतराली अवस्थान, ठीक है। आ नंबर इसका सही उत्तर होगा, ओके। अगला कि महिला युग्मक मुक्त करने वाला अंग कौन सा है। तो महिला युग्मक अंग मुक्त करने वाला जो अंग है, युग्मक ठीक है, मुक्त करने वाला अंग है, उसका नाम है अंडाशय। सही जवाब सा होगा। हालांकि हम इस क्वेश्चन के बारे में डीपली जाएंगे, आपको एक्सप्लेन करें तो समय है नहीं, 1-2 दिन पहले आप परीक्षा देते हैं, एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, डिटेल में आप लोगों को समझाने में, ताकि आप समझ सके, कम से कम 5 से 6-7 मिनट जाएगा। तो एक क्वेश्चन पे 5 से 7 मिनट जाएगा तो बताइए हमको 100 क्वेश्चन बनाने, तो पता चलेगा 4-5 घंटे की वीडियो तो ऐसे ही बन जाएगी। तो इसलिए आपसे बोलते हैं कि तैयारी पहले से शुरू किया करिए। हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, थोड़ा हिंट दे दे रहे हैं और उसका उत्तर बता दे रहे हैं, और कौन कौन से महत्वपूर्ण है वो हम आपको सिलेक्ट कराते रहें, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि वाहिनी को जोड़ती हैं वो प्रोस्टेट ग्रंथ के अंदर मूत्र मार्ग से जुड़ी होती हैं किसमें। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ध्यान रखेंगे, ठीक है, अस्खलन वाहिनी से सही जवाब बा होगा। अगला प्रश्न है कि 3 से 5 दिनों तक चलने वाले सामान्य नियमित मासिक धर्म की स्थिति को डॉट 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 किस रूप में जाना जाता है, इसको मासिक धर्म मतलब पीरियड्स, ठीक है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 53 नंबर का, सही जवाब आ होगा, ठीक है। अनार्तो सही जवाब अनार्तो के रूप में जाना जाता है। अगला कि पीतपिंड प्रावस्था कितने दिनों में होती है। तो पीतपिंड प्रावस्था जो होती है वो होती है 14 दिन में, सही जवाब सा होगा। अगला है कि रजोनिवृत्ति जो 50 वर्ष की आयु से पहले होती है तथा सर्जरी का अन्य चिकित्सा स्थिति के कारण नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसको कहा जाता है प्राकृतिक रजोनिवृत्ति, सही जवाब आ होगा। अगला कि युग्मनज के विदलन द्वारा निर्मित छोटी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं। तो युग्मनज के विदलन द्वारा जो निर्मित होती हैं कोशिकाएं, उनको कहा जाता है कोरकखंड, आ नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि लैंगर हैंस का उपद्वीप मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है अग्नाशय में, सही जवाब इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे कौन सा सही जवाब होगा, ब नंबर, ठीक है, ओके, ठीक है, अग्नाशय, ओके, टिक कर लिए ना सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नभिरज्जु में क्या होता है। तो नभिरज्जु में जो होता है वो होता है 2 धमनियां एवं 1 सिरा होता, सही जवाब आ होगा। अगला है कि नर में वसृण कोष स्थित रहता है कहाँ। तो 61 नंबर प्रश्न इसका सही जवाब हो जाएगा सा नंबर, उदर गुहा के बाहर में स्थित होता है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा सा। मुर्गी के अगला प्रश्न है, मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग कितना सप्ताह का समय लगता है। तो मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में जो समय लगता है वो करीब करीब 3 सप्ताह का समय लगता है, सही जवाब इसका हो जाएगा सा नंबर। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि एक जरायुज है, तो इन ऑप्शनों में से एक जो जरायुज है वो है गाय, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। निम्नलिखित में से अंड प्रजक तंत्र तो कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त में से सभी, यानी कि जो अंडे देते हैं, ठीक है, जीव जंतु। तो बतख भी अंडा देता, सांप भी देता, कछुआ भी देता है, इसलिए सही जवाब द हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला कि नर में पाया जाने वाला प्रमुख जनन अंग है कौन सा इन ऑप्शन में से।
तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वर्षण है, ठीक है, वर्षण जिसको आप लोग जानते हैं अच्छे से, ठीक है, वर्षण है। अगला कि शुक्राणुओं के मध्य भाग का निर्माण होता है, तो शुक्राणु के मध्य भाग का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, वर्षणों से होता है, सही जवाब इसका हो जाएगा ब नंबर, ठीक है। एक मिनट, शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण की बात हो रही है, ठीक है, तो शुक्राणु के मध्य भाग का जो निर्माण है वो होता है, ध्यान रखेंगे, प्रमुख प्रश्न है, मिस्टेकिंग हुई, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, माइक्रोकांडिया से होता है, माइक्रोकांडिया हमने बहुत अच्छे से पढ़ा इसके बारे में, ऐसे ही होता है, ठीक है, आपके बॉडी में ऐसे ऐसे बना होता है माइक्रोकांडिया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लेडिग कोशिकाएँ पाई जाती हैं, जो लेडिग कोशिकाएँ हैं वो पाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे, वर्षणों में, सही जवाब इसका हो जाएगा ब नंबर, ध्यान रखेंगे, प्रमुख प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मानव में निषेचन होता है, तो ध्यान रखेंगे मानव में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में, सही जवाब दा होगा। अगला है कि प्राथमिक लैंगिक जनन अंग कौन सा है, तो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग जो है इन ऑप्शनों में से वो है वस्त्र, सही जवाब सा होगा। अगला है कि ध्यान से सुन लीजिए उत्तर, अगला है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है किस कहाँ से या फिर किसके द्वारा, तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है इसका जो उत्पादन होता है वो होता है वृषण द्वारा, सही जवाब ब नंबर होगा। अगला है कि नर एवं मादा युग्मक किस संयोजन से क्या बनता है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, पुरुष एंड महिला, ठीक है, यानी कि मैन एंड वुमेन, तो सही जवाब इसका हो जाएगा 69 का द नंबर, युग्मनज, एक मिनट, हाँ, नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है युग्मनज, सही जवाब इसका हो जाएगा द। अगला प्रश्न है कि काउपर ग्रंथ उपस्थित होता है किसमें, तो काउपर जो ग्रंथ होती है ये होती है नर में, सही जवाब अ नंबर होगा। अगला है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों द्वारा क्या होता है, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों द्वारा होता है नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है, ठीक है, ब नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि प्रोस्टेट ग्रंथ से उत्पन्न होती है क्या, तो प्रोस्टेट ग्रंथ से उत्पन्न होती है उससे होता है एक प्रकार का द्रव उत्पन्न होता है, सही जवाब इसका हो जाएगा स नंबर। अगला कि .. में बाह्य निषेचन होता है किसमें, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, मेढक में। अगला कि पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि है कौन सी, तो एक अतिरिक्त जो जनन ग्रंथ है जो कि अलग ही होती है वो है, ध्यान रखेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथ भी होती है शुक्राशय के शुक्राशय होती है काउपर भी होती है, इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा द नंबर, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके, पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि, एक मिनट, जो 73 नंबर क्वेश्चन है इसमें मेढक में बाह्य निषेचन होता है, फिर नंबर हो जाएगा। 74 है कि पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि है कौन सी, तो भैया ये सभी हैं प्रोस्टेट काउपर और शुक्राशय। अगला कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक कौन सा है, तो अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक जो है इन ऑप्शन में से सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, वो है अंडाणु, सही जवाब होगा सा नंबर। अगला गर्भाशय एक होता है जो क्या कहलाता है, तो गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है, ध्यान रखेंगे, वो कहलाता है, इसको बोलते हैं बूम, ठीक है, बूम बोलते हैं। अगला है कि बुल वावरे याल ग्रंथ स्थित होती है, तो ये जो स्थित होती है ये होती है प्रोस्टेट ग्रंथ के नीचे, सही जवाब दा होगा। अगला प्रश्न है कि शुक्राणुओं के परिपक्वन होते हैं, ठीक है, तो शुक्राणुओं में परिपक्वन ठीक है परिपक्वन होते हैं अधिवसण में, सही जवाब इसका हो जाएगा स नंबर। अगला प्रश्न है कि अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है, तो अंडवाहिनी का जो अंतिम यानी कि लास्ट भाग होता है वो कहलाता है इस्थमस, ठीक है, इस्थमस सही जवाब आ होगा। अगला है कि इन फंडिवुलम में अंगुलाकार प्रावर्ध क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, फिम्ब्री। अगला कि योनि द्वारा प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है, यौन जो द्वार होता है प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे क्या कहते हैं, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, उसको बोलेंगे ठीक है क्लाई टोरिस के नाम से जानते हैं, बहुत ही प्रमुख प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, क्लाई टोरिस के नाम से जानते हैं, बहुत प्रमुख प्रश्न है, ध्यान से सुन लीजिए। अगला कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र क्या होती है, तो स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की जो उम्र होती है वो होती है 50 वर्ष, सही जवाब इसका सा नंबर हो जाएगा।
अगला प्रश्न प्रस्तुत है आप लोगों के समस्त की मनुष्य के निषेचित अंडवाणु में विभाजन प्रारंभ होता है, तो वो प्रारंभ होता है जब अंडा फैलोपियन नली में होता है तब। अगला प्रश्न है कि मासिक धर्म के आरंभ में स्रवित होने वाले हार्मोन के क्रम स्टेप बाय स्टेप बताइए, तो वो है सही जवाब इसका हो जाएगा सा नंबर, ठीक है, FSH एस्ट्रोजन ठीक है प्रोजेस्ट्रॉन सही जवाब सा होगा। अगला है कि अंडोत्सर्जन के बाद अस्तनियों में अंडाणु एक झिल्ली द्वारा घिर जाते हैं जिसे हम लोग जानते हैं जोना पेलुसिडा के नाम से, 12 नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि छोटी सी अंगुली नुमा संरचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लोबियों मेजोरा के जुड़ने के स्थान पर पाई जाती हूँ क्या कहलाती हैं, ठीक है, तो उनका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, उसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कोलाइटोरिस के नाम से जाना जाता है, सही जवाब उसका हो जाएगा कोलाइटोरिस के नाम से। इसमें शर्म करने वाली बात नहीं है, तो क्वेश्चन है, सब्जेक्ट है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है कि दुग्ध बाहर की ओर आता है, दुग्ध बाहर की ओर कब आता है, तो ध्यान रखेंगे जो दुग्ध है बाहर की ओर आता है जब जब लैक्टिफेरस नलिका के द्वारा आता है, सही जवाब इसका हो जाएगा लैक्टिफेरस नलिका के द्वारा सही जवाब दा होगा। अगला है कि नर जनन तंत्र स्थित होता है, तो नर जनन तंत्र जो स्थित होता है वो होता है, ठीक है, श्रेणी क्षेत्र में, श्रेणी क्षेत्र में। अगला है कि कॉर्पस ल्यूटियम का विकास होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम का जो विकास होता है वो होता है ग्रेफियन फॉलिकल से, सही जवाब सा होगा। अगला कि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रवित होने वाला हार्मोन कौन सा है, ठीक है, तो उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन, सही जवाब इसका सा हो जाएगा। अगला कि विकास के दरमियान ठीक है अस्पमेरटोजोवा पोषण होता है किसके द्वारा, तो सही जवाब इसका हो जाएगा सटोरली कोशिकाओं द्वारा होता है, सही जवाब इसका हो जाएगा आ नंबर, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि प्रोस्टेट ग्रंथ उपस्थित होती है कहाँ पर, तो प्रोस्टेट जो ग्रंथ ही होती है ये उत्पन्न ये मतलब कि उपस्थित होती है मूत्र मार्ग के चारों ओर, सही जवाब दा होगा। अगला है कि भ्रूण की 16 कोशिकाएँ एक अवस्था कहलाती हैं कौन सी, तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरुला, भ्रूण की 16 कोशिकाएं अवस्था कहलाती हैं, सही जवाब आ होगा। अगला कि युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, तो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 23, ठीक है, सही जवाब आ होगा। अगला कि स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा ठीक है प्रोजेस्टेरोन द्वारा होता है, सा नंबर सही जवाब होगा। अगला कि स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं किसके लिए, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ शुक्राणु जनन के लिए आ नंबर सही जवाब होगा। अगला कि मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है, तो मासिक चक्र के कितने दिन बाद अंडोत्सर्जन होता है वो क्वेश्चन कह रहा है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा सा नंबर 12वें से 15वें दिन होता है, ठीक है, सही जवाब इसका हो जाएगा कौन सा नंबर, ठीक है, 12वें से 15वें दिन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती हैं क्या, तो नर जनन कोशिका शुक्राणु जो उत्पन्न करती हैं वो करती हैं शुक्राणु जनन द्वारा, ठीक है, ये उत्पन्न होती हैं नर जनन कोशिका शुक्राणु जो उत्पन्न होती हैं ये शुक्राणु जनन द्वारा होती हैं, आ नंबर सही जवाब। अगला है कि एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द शुक्राणु जनन करता है, द नंबर सही जवाब होगा। अगला कि परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, तो इसकी बनने की जो प्रक्रिया है वो है अंड जनन, सही जवाब इसका द हो जाएगा। अगला कि यौन आरंभ के समय प्रथम आतर्व चक्र क्या कहलाता है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ठीक है, इसको कहा जाएगा रजोदर्शन, सा नंबर। अगला कि कोशिकाएँ जो एंड्रोजन्स का श्रवण करती हैं वो कौन सी कोशिका हैं, तो उनका नाम है ध्यान रखेंगे लेडी, ठीक है, लेडी कोशिका, सही जवाब बा होगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको यूनिट नंबर 3 से आएंगे, हालांकि आपकी परीक्षा में 4 यूनिट मतलब कि आपको जो फर्स्ट एड एंड हेल्थ है ये आपका, ठीक है, 4 यूनिटों में डिवाइड है, 4 यूनिट में 1, 2, 3, तो इन चारों यूनिट फीडियो क्वेश्चन आएंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमने 3 यूनिट फीडियो क्वेश्चन बताए हैं, कल हमारी जो वीडियो आई थी
उसमें दो यूनिट फील्ड क्वेश्चन थे, उससे पहले 2 दिन पहले जो वीडियो आई थी उसमें 1 यूनिट फील्ड क्वेश्चन थे, हमारी जो कल वीडियो आएगी उसमें 4 यूनिट फील्ड क्वेश्चन होंगे। तो इसी प्रकार आप चारों अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। बाकी अगर आप कमेंट करेंगे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सअप का लिंक दिया गया उस पर मैसेज करेंगे तो हम आपको तीनों के या फिर चारों के जो यूनिट है उन फील्ड क्वेश्चन हम आपको सेंड कर देंगे, तो आप अपने एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा। और जो मैं ट्रिक और टिप्स बताने वाला हूँ तो ध्यान से सुन लीजिएगा वो कौन सी ट्रिक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती हैं क्या? तो आपको इसका उत्तर नहीं मालूम है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जिस दिन प्रश्नों का उत्तर मालूम है उनको तो तुरंत सही कर लेना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 100 पूरे 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें से 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे 100 में से जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगी उनको टिक कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जिनका उत्तर नहीं मालूम होगा, ठीक है, जैसे कि इसका उत्तर नहीं मालूम है तो उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे क्वेश्चन में, तो जिसमें लास्ट वाले ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं, जितने भी क्वेश्चनों में ये ऑप्शन दिखेगा और उसका उत्तर आपको नहीं मालूम है तो उसमें सभी में आपको यही फ्लैट करना है, क्योंकि मैंने पिछले वर्ष के लगातार मॉडल पेपर देखे हैं उसमें सभी में यही सही होता है, इनमें से सभी उपरोक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यही वाली ट्रिक अपनाना है जिन जिन प्रश्नों को उत्तर नहीं मालूम है और जिन जिन प्रश्नों के लास्ट में ऑप्शन दिया गया है, ठीक है भाई। जिसमें नहीं दिया गया तो आप क्या ही कर सकते हैं, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं, लेकिन जिसमें दिया गया है लगभग ऐसे 15-20 क्वेश्चन आएंगे जिसमें लास्ट में ऑप्शन दिया होगा ऐसे ही उपरोक्त में से सभी, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, वही आपको फ्लैट कर लेना है। बाकी एग्ज़ाम जब टाइम रह जाए, मतलब कि जब 15-20 मिनट रह जाते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ कॉलेजों में थोड़ी हेल्प करने के लिए आते हैं, तो आप उसका भी वेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।